टू माई यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू आशाज ऑल इन वन चैनल उम्मीद करती हूँ कि आप सब खरीय से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आज मौसम अच्छा था हवा चली थी बट आई वॉज नॉट फीलिंग और आई वॉज़ फीलिंग way too down डाउन और फिर मैंने सोचा कि कुछ बनाया जाए कुछ मीठा हो जाए मैंने जब फ्रिज खोला तो फ्रिज में देखा मैंगोज पड़े हुए थे कुछ पहले मैंने सोचा कि मैं मिल्क शेक बना लेती हूँ लेकिन फिर uh, मुझे क्रीम भी नज़र आई तो फिर मैंने सोचा मैंगो डिलाइट बनाते हैं मेरे पास इन्ग्रीडियंट्स अवेलेबल थे घर में तो फिर मैंने अपनी बहन की हेल्प ली और उसको कहा कि मुझे ऊपर से बाउल उतार दो जिसमें मैंने मैंगो डिलाइट बनाना है और फिर मैंने मैंगो डिलाइट बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी सबसे पहले मैंने मैंगोस कटिंग की और मेरी रिंग लाइट जो है वो ख़राब हो गई है जैसे कि आपको पता है तो मैंने इस लाइट के थ्रू जो है वो जुगाड़ किया नाउ डेज़ आई एम वे टू जुगाड़ू यू नो वट समेली लाइफ टास्क में इतना बिजी होते हैं अपने इसकेजुअल में आप सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे होते हैं लेकिन आप फिर भी जो है न एक अच्छा फील नहीं करते एंड आई थिंक इफ़ यू आर अन दिस विल वॉक फॉर यू गाइज के आप कुछ मीठा बनाएँ या कुछ खाने के लिए बनाएँ तो एक अलग ही किस्म के एनर्जी बूस्ट हो जाती है तो मुझे तो अक्सर ऐसे ही होता है कि वन एवर आई फील डाउन Uh, बहुत सारी रीज़न्स होती हैं डाउन फील करने की लेकिन uh, जब भी आप कुछ बनाएंगे तो आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी और आपका माइंड जो है ना वो बहुत ही अच्छे से डाइवर्ट हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं होता कि आप जो डेली टास्क अपनी ज़िंदगी में करते हैं जो जॉब वर्क है या और दूसरी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उससे हट के भी कुछ करना चाहिए समटाइम्स यू विल फील गुड बस ये मैंगोज कट हो गए थे और मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया एंड वन आई वज मेकिंग दिस मैंगो डिलाइट तो मैं सोच रही थी कि समटाइम्स uh, जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे चली जाती हैं बिल्कुल आउट ऑफ द प्लान सो सो आई थिंक जो अनप्लान चीज़ें होती हैं ना दीज आर द बेस्ट मोमेंट्स और बेस्ट पार्ट ऑफ़ योर लाइफ समटाइम्स इट हैपन्स सो जब भी आप कोई चीज़ प्लान कर के करते हैं तो वो फिर अक्सर मैंने देखा है उस तरह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते मे बी द रीज़न एस के आपकी एक्सपेक्टेशंस डेवलप हुई होती हैं और एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जब चीज़ें चली जाती हैं तो आप अपने आप को मज़ीद जो है वो डाउन फील करते हैं और यहाँ पर मैंने ये क्रीम जो है वो यूज़ की और ये क्रीम जो है पड़ी हुई थी मेरे पास तो मैंने यही यूज़ कर ली और एक ही पैक अवेलेबल था इस टाइम तो बस मैं यही सोच रही थी कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमारी कितनी चीज़ों को ख़राब कर देती हैं ना लाइफ में कि वन एवर वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम एनी वन और वो जब वैसा नहीं होता तो हम बहुत हर्ट हो जाते हैं मेन so कॉज जो है हमारे दुखी होने का वही एक्सपेक्टेशंस हैं और मेरे पास सुपर के केक्स अवेलेबल थे और ये तीन ही पड़े हुए थे तो मैंने इन्हीं को यूज़ कर लिया तो मैंने ये सोचा कि जब हम अवेलेबलिटी के हिसाब से चीज़ें एक्जीक्यूट करते हैं उनके अकॉर्डिंगली चल लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से तो चीज़ें कितनी आसान हो जाती है ना मतलब लाइफ कितनी ईजी हो जाती है एक चीज़ तो ये एंड ऑन द अदर हैंड कि ग्रैटिट्यूड कितना इम्पॉर्टेंट है कि जो है उसी में ही खुश हो गए उसी में ही गुज़ारा कर लिया और उसी से ही जो है वो कुछ सीख लिया इंजॉय कर लिया और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आप सबसे ये कहती हूँ कि अगर हम सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व करें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर हमारा लर्निंग एटीट्यूड है लर्निंग बिहेवियर है और अगर हम पॉजिटिव माइंडेड हैं नो डाउट कि समटाइम्स हम लाइफ में पॉजिटिव फ़ील नहीं करते कुछ सरक्यम ऐसे होते हैं कुछ लाइफ फेजेज ऐसे होते हैं लेकिन अगर आप इतू से भी सेल्फ मोटिवेटेड हैं ना तो थिंग्स विल गेट बैटर इन योर लाइफ सो या अब मैं ये मिक्सचर जो है वो केक के ऊपर के ऐड कर रही हूँ कुछ मैंगो प्यूरी मैंने बचा ली थी और कुछ क्रीम भी बचा ली थी मैंने डेकोरेशन करनी थी लेकिन फिर मैंने उस तरह से नहीं की जो मेरे जहन में आइडिया चल रहा था मैंने इसको सिंपल तरीके से ही कर लिया मैंने कहा वो वाली डेकोरेशन पर किसी और टाइम कर लूँगी जब प्लान तरीके से मैंगो डेलाइट बनाऊँगी और कुछ मैंगो चंक्स यानी कि मैंगो क्यूब्स मैंने कट करके रखे थे वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए डेकोरेट कर दिए और ये सबको बहुत पसंद आई और यकीन करें बड़ी मज़ेदार बनी बहुत ही ईजी है और बहुत थी, आ, मतलब कन्वीनियंट चीज़ें थी जो मेरे पास अवेलेबल थी उन्हीं से मैंने बना लिया था बेसिकली बात ये होती है कि मैंगो जो है वो आ, अच्छा ही लगता है क्योंकि मैंगो की तो बात ही अलग है ना और डिनर में मामा ने जो है वो दाल चावल बनाया था तो दाल चावल जो है वो एक बहुत ही सकून वाली डिश है यानी कि ना सकून वाली डिश मैं इसको इसलिए कहती हूँ कि मुझे ये दाल चावल इस तरह लगती है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में जिनके सामने हम बहुत ईजी uh, रहते हैं बहुत कम्फर्टेबल रहते हैं बिकॉज़ वी नो कि दे विल नॉट जज आस और दे विल नॉट मेक एनी एजम्पन्स दे विल नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड हम उनको बेशक uh, जितना मर्जी जो है वो अच्छा ट्रीट करें जितना प्यार से ट्रीट करें दे विल नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड वो हमारे लोग होते हैं ना मेरे लोग आई होप कि आपकी लाइफ में भी ऐसे ज़रूर होंगे लोग जिनको आप कहते होंगे कि लाइक दीज आर माई पीपल ना जो हमारे सपोर्ट सिस्टम होते हैं हमें हर वक्त इंक्रेज करते हैं हमारे बैक एंड पे हमेशा खड़े होते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए इनक्रेज करने के लिए तो उनको ज़रूर मेंशन करें कमेंट्स में या फिर उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें और मैंने जो है इसके साथ सैलड भी बनाया था अपने लिए कचूमर सैलड बनाया था और बाकियों के लिए दूसरा तो उस पर थोड़ा सा नींबू छिड़का और मज़ेदार सा जो है वो डिनर तैयार हो गया मामा के हाथ का खाना तो वैसे ही वर्ल्ड्स बेस्ट खाना होता है और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाफ